हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और वोटिंग से ठीक 5 दिन पहले रेप और हत्या जैसी केस में सजा याफ्ता गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आने वाला है। चुनाव आयोग की शर्तों पर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को पैरोल मिल गई है। गुरमीत जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा में नहीं रहेगा, वो किसी राजनीतिक गतिविधि का भी हिस्सा नहीं बनेगा, सोशल मीडिया पर प्रचार नहीं कर सकेगा। गुरमीत ने 20 दिन की इमरजेंसी पैरोल मांगी थी, यूपी के बरनावा आश्रम में रहेगा। राम रहीम को 4 साल में 11 बार पैरोल या फर्लो मिली है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें 8 बार ठीक चुनाव से पहले रियायत दी गई है। गुरमीत रोहतक जिले की सुनारिया जेल में बंद है। उसने 2 सितंबर को 21 दिन की फर्लो काटकर जेल में सरेंडर किया था। राम रहीम के मामले में कहा जाने लगा है कि इसे सजा नहीं पैरोल कहिए। एक तरफ रेप और कत्ल जैसा संगीन जुर्म किया है और दूसरी तरफ गुनहगार गुरमीत पर सरकारी आजादी रेवड़ी की तरह बरस रही है। पिछले 2 साल में ही 253 की पैरोल या फर्लो की मंजूरी मिल गई है। एक दिन पहले 20 दिन की पैरोल को जोड़ा जाए तो यह संख्या 273 दिन हो जाएगी। यानी इस पैरोल के बाद गुरमीत का 9 महीने 12 दिन जेल से बाहर बिताने का वक्त हो जाएगा, जबकि 2020 से 2022 तक गुरमीत को सिर्फ 1 दिन 12 घंटे की ही पैरोल मंजूरी की गयी थी। गुरमीत राम रहीम का दावा है कि पंजाब और हरियाणा में उनके लाखों भक्त हैं। डेरा प्रमुख ने राजनीतिक फैसले लेने के लिए सिरसा स्थित डेरा से भीतर एक राजनीतिक विंग भी बनाई है। डेरा अब तक कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, SSD और BJP का समर्थन कर चुका है। हालांकि इन समर्थनों का प्रभाव अलग अलग रहा है। BJP के अंदर खाने डेरा का राजनीतिक प्रभाव स्पष्ट है। पार्टी ने चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र से सुनारिया जेल में पूर्व अधीक्षक सुनील सांगवाद को मैदान में उतारा है। गुरमीत को 6 बार पैरोल या फर्लो दी गई है, जब सांगवाद उस समय जेल अधीक्षक थे। गुरमीत ने जेल विभाग को दिया था आवेदन। आचार संहिता के कारण जेल विभाग ने गुरमीत के आवेदन को चुनाव आयोग के पास भेजा था। आयोग ने सरकार से पूछा था कि पैरोल के लिए इमरजेंसी क्या है, अभी मंजूरी देना कितना सही है, पैरोल देने के पीछे क्या कारण है। यदि फैक्ट सही है तो पैरोल दी जा सकती है।